ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूलैंड्स ऑफ द वेस्ट टुडे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो न्यूलैंड ने क्या बताया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डोबिनियर ट्रायड एक्चुअल में फेल क्यों हो गया। हमने डोबिनियर ट्रायड के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट को अरेंज क्यों नहीं किया। इट इज द बेसिक नो लाइक अरेंजमेंट जो न्यूलैंड ने सॉरी डोबिनियर ने किया था। ठीक है, सो आफ्टर फेलवर ऑफ हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूलैंड्स ऑफ द वेस्ट। सो लेट मी राइट द हेडिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। अब देखो ये मार्केट में क्यों आया, क्योंकि डोबिनियर ट्रायड का अरेंजमेंट फेल हो गया। सो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर फेलवर ऑफ डोबिनियर ट्रायड। मैं इसको डी ट्रायड लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, डोबिनियर ट्रायड का जो अरेंजमेंट फेल हो गया, आफ्टर फेलवर ऑफ डोबिनियर ट्रायड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, नेक्स्ट अटेम्प्ट was done by न्यूलैंड। ठीक है, अब देखो उसने क्या क्या किया था। हम अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, न्यूलैंड ने क्या किया था, ही अरेंज। देखो उसने क्या किया था, सारे के सारे जो नोन एलिमेंट थे उनको उसने सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स कैसे अरेंज किया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, किसने, न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं, फर्स्ट जिसका एटॉमिक मास कम था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एक्सेट्रा। ठीक है, अप टू सिर्फ 20 एलिमेंट कोई अरेंजमेंट किया था उसने। अब देखो उसने तो किया था सारे के सारे, लेकिन 20 तक ही उसके लॉ को ओबे कर रहे थे। तो मैं सारे के सारे एलिमेंट लिख रहा हूं उस समय के। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखा उसने क्या, उसके अरेंजमेंट में क्या हुआ। देखो जब उसने ऐसा अरेंज किया ना, उसने देखा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल सिमिलर थी, फिर सेकंड एलिमेंट से नाइन्थ एलिमेंट एट्थ नंबर पे आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर थी, थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एट्थ यानी टेंथ वाले से सिमिलर थी, ऐसा उसने देखा। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसी को, ही फाउंड दैट इन हिज अरेंजमेंट ही यानी को न्यूलैंड, He found that क्या देखा उसने, property of every eighth element was similar to that of first। क्या देखा उसने कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट से सिमिलर थी। ठीक है, कैसा, जैसे, एंड ही कंपेयर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट, ही कंपेयर्ड, ही यानी कौन, न्यूलैंड,
कंपेयर्ड, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना. ही कंपेयर्ड हिज अरेंजमेंट, हिज अरेंजमेंट विथ सेवन नोट्स ऑफ, सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक. सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक क्या होती है? चलो हम इसको हिंदी, जो हमारे बॉलीवुड के जो नोट्स हैं, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं. क्या है? सा, सारे, रे, ग, म, म है एक्चुअल में, मा नहीं है, सारे ग, म, प, ध, नी. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. अब यहां पर एट फिर से सा आएगा, फिर नाइन्थ फिर से रे आएगा. तो देखो ये इसका एट्थ वाले से सिमिलर है, ये इसका एट्थ वाला ये हो जाएगा, इसकी सिमिलर हो जाएगी, और ये रिपीटेशन बिल्कुल चलते रहता है. तो सेम टाइप का रिपीटेशन न्यूलैंड के अरेंजमेंट भी आ रहा था, न्यूलैंड के अरेंजमेंट में आ रहा था. तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो अरेंजमेंट है, सप्तक बोलते हैं इसको, सप्तक, सप्तक. और जो एट्थ में रिपीट हो रहा है, हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट. हम इसको बोलते हैं नोट ऑफ म्यूजिक, और हम इसको बोलते हैं ऑक्टेट. सो ऑक्टेट का यहां पर मीन होता है हर एट्थ वाला जो नोट होगा वो सिमिलर होगा. सेम अगर इसी अरेंजमेंट को हमने म्यूजिक के नोट को अगर हमने अरेंज कंपेयर किया न्यूलैंड के अरेंजमेंट से, बिल्कुल सिमिलर था. इसीलिए न्यूलैंड ने अपने अरेंजमेंट को कंपेयर किया नोट ऑफ द म्यूजिक के ऑक्टेट से, और अपने अरेंजमेंट को उसने नाम दिया न्यूलैंड ऑक्टावेस. समझ में आया क्या? हाँ. सो क्या लिखा हमने? ही कंपेयर्ड हिज अरेंजमेंट विथ सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक एंड नेम्ड हिज अरेंजमेंट एज न्यूलैंड्स ऑक्टावेस. न्यूलैंड्स ऑक्टावेस, और उसने अपने अरेंजमेंट को न्यूलैंड ऑक्टावेस ऐसा नेम दे दिया. इतना क्लियर हुआ सभी को? हाँ, यस सर. किसी को यहाँ डाउट है? नो सर. पक्का? नो सर. हाँ बोलो बोलो. यस सर. पहले इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो. नो सर बोल रहा. ओके. नहीं, ये कुछ आई थिंक राघव की तरफ से आवाज आ रही थी. सर स्क्रीनशॉट तो ले दो. हाँ एक मिनट, मैं इसको जूम. यस सर, राघव ही बोल रहा. हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आ रहा है एक बार में? यस सर. ओके. हाँ जी. हाँ सर, हो गया सर. ओके ठीक है, डन. ओके, अब मैं इसका लॉ लिख रहा हूँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेस. मैं ये पे साइड में लिख रहा हूँ. सो और एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सब पूरा आ जाएगा. अब इसका मैं लिख रहा हूँ लॉ. किसका? न्यूलैंड ऑक्टावेस का. देखो उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन, मैं इसको इंक चेंज कर लेता हूँ, व्हेन एलिमेंट्स, थोड़ा और लाइट करने दो उसको, बहुत ज्यादा येलो है बट डार्क दिख रहा है. ओके, क्या है लॉ इसका? व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर
सॉरी एटॉमिक मास नंबर तो आया नहीं था उस समय. व्हेन एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन द प्रॉपर्टी ऑफ then the property of every eighth element was similar to that of first. Okay, this is the Newland's law of octaves. Okay, when elements arranged in increasing order of their atomic mass ya masses likh sakte hain usko masses then properties of every eighth element was similar to that of first. Theek hai, so this is the law of Newland octaves. Understood everyone? Yes sir. Any doubt here? Sir mujhe puchna tha ek cheez. हाँ बोलो सर. जैसे वन और एट सेम होता है ना, ये उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर होती है, तो वैसे ही वन और फिफ्टीन की भी होगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो अब उसने क्या किया, अब देखो क्या किया उसने, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब एट वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर थी तो उसको उसने उसके नीचे रख लिया. तो ऐसा उसने ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और थर्ड रो स्टार्ट कर दिया ना, अरेंज किया उसने. फिर सेकंड वाले के नाइन्थ से सिमिलर थी तो नाइन्थ यहाँ आ गया, फिर टेंथ इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिर यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी. अब ट्वेंटी के बाद के जो एलिमेंट थे उसके लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे, यानी उसके लॉ में फिट नहीं हो रहे थे. उस समय अबाउट जब न्यूलैंड ऑक्टोवेज की हम बात कर रहे थे उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे. कितने? 56 एलिमेंट. बट 56 एलिमेंट में से ओनली 20 एलिमेंट ही वो अरेंज कर पाया, क्योंकि उसके बाद के जो एलिमेंट थे उसके लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे, इसका न्यूलैंड ऑक्टोवेज भी फेल हो गया. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम देखेंगे इसका लॉ फेल क्यों हुआ. लिख लो. Yes sir. ले लिए स्क्रीनशॉट. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. So, अजीत समझ में आया बेटा पूरा? Sir. हाँ. एक बार सर ये L वाला समझा दो. कौन सा L वाला? Okay. देखो न्यूलैंड ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट अरेंज डिस्कवर हुए थे ना उस समय, उन सबको उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. जिसका एटॉमिक मास कम था उसको सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला और उससे ज्यादा वाला. तो ऐसा उसने सारे के सारे एलिमेंट को एक लाइन में अरेंज किया. तब उसने देखा कि हर पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एट्थ वाले एलिमेंट के सिमिलर आ रही थी. ठीक है, तो अब ऐसा उसने देखा कि सेकेंड वाले की प्रॉपर्टी नाइन्थ वाले से सिमिलर, अब सेकेंड से नाइन्थ एट डिस्टेंस के ऊपर है. तो ऐसा करते करते उसने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट है जो हर एट एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से सिमिलर है, तो ये एलिमेंट को उसने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और उसने अपना एक लॉ बना लिया कि जब हम एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो उनका जो प्रॉपर्टीज है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हर एट एलिमेंट के बाद में रिपीट होगी, सेवंथ एलिमेंट के बाद में रिपीट होगी. ऐसा उसने बताया था, इसलिए उसने लॉ में लिखा है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वो पहले वाले से सिमिलर होगी. बस ये उसका लॉ. ठीक है. यस सर. इस वीडियो को और एक बार देख लेना, मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. ओके. यस सर. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द वाई न्यूलैंड ऑक्टोवेज गॉट फेल्ड. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं. न्यूलैंड ऑक्टोवेज थोड़ा न्यूलैंड नाराज हो जाएगा मेरे से, डायरेक्ट फेल बोल रहे हैं हेमंत सर. ठीक है कोई बात नहीं. तो मैं लिख रहा हूँ न्यूलैंड न्यूलैंड ऑक्टोवेज गॉट फेल्ड.
अब देखो न्यूलैंड ऑक्टोवेशन ने बताया था कि वो क्यों फेल हुआ, मर गया बचाने के पहले, लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ 20 एलिमेंट को अरेंज कर पाया, और उस समय अबाउट 56 एलिमेंट स्कोर हो चुके थे, और ये तो सिर्फ 20 एलिमेंट को ही अरेंज कर दिया, तो ये तो फेल होना ही था। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, न्यूलैंड ऑक्टोवेस गॉट फेल्ड बिकॉज, न्यूलैंड ऑक्टोवेस गॉट फेल्ड बिचारा बिकॉज बिकॉज ओनली 20 एलिमेंट ओनली 20 एलिमेंट्स वेयर ओबेइंग ओबेइंग न्यूलैंड ऑक्टोवेस लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोवेस अमोंग 56 एलिमेंट्स discovered at that time, उस समय अबाउट कुछ 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इसके अरेंजमेंट में सिर्फ 20 एलिमेंट ही फिट हो रहे थे, इसीलिए न्यूलैंड ऑक्टोवेस फेल हो गया। हाँ या ना? Yes sir. किसी को डाउट? Yes sir. No sir. No sir. तो ये तो था उसका पहला, हाँ ये तो था उसका पहला। सर अभी, हाँ बोलो, सर अभी कितने एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं? 123 बट अभी कितने एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं? 123 हो चुके हैं, बट आईयूपीएसी ने रिकॉग्नाइज 118 को ही किया है अभी तक। ओके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी उनके ऊपर रिसर्च और चालू है। ओके इसको पहले हम खत्म कर लेते हैं ना। अब देखो, अब उसने क्या किया था, अब एक रूम में यानी एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आना था, है ना। अब उसने जब अरेंजमेंट किया तो ऐसा रोज एंड कॉलम्स बनाया उसने, ऐसा रोज बनाया उसने ऐसे, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, फिर यहाँ पर 8, 9, 10 ऐसा। तो बहुत बार क्या किया उसने, दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जो कि उसके ही लॉ को वो ओबे नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा रीजन लिख रहे हैं कि व्हाई न्यूलैंड ऑक्टोवेस गॉट फेल्ड। सेकंड रीजन तो क्या था, न्यूलैंड प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन सेम प्लेस, टू एलिमेंट्स इन सेम प्लेस, यानी दो एलिमेंट को एक ही इसमें प्लेस कर दिया था, एक ही बॉक्स में यानी प्लेस कर दिया था, अकोमोडेट कर दिया था, जो कि रॉन्ग था। ओके, विच वॉज कॉन्ट्राडिक्ट, विच वॉज कॉन्ट्रोडिक्शन, जो कि सही नहीं था। ठीक है, इसीलिए न्यूलैंड ऑक्टोवेस फेल हो गया। ठीक है, और समझ में आया क्या? Yes, sir. Sir. Okay. देखो कौन कौन सा ले। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले। एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकिल, इनको उसने साथ में रख दिया था एक ही बॉक्स में, फिर था सीरियम एंड लेंथेनम, इनको उसने एक साथ रख दिया था। ठीक है, तो ये थे उसके जो क्या फॉल्ट्स, जिसके कारण उसका जो अरेंजमेंट है वो फेल हो गया। ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया सर, किसी को डाउट यहाँ? नो सर। ओके,
सर यहाँ पे 7 × 8 इज दैट 56, यानी मतलब वही ब्लॉक्स बनाया था वही लिखा है ना? हाँ 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 नहीं अभी तो मैं दो तीन और पॉइंट है ना मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद आपको क्लियर होगा पूरा। मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं देखो उसने क्या किया था, अभी हमने देखा कोबाल्ट और निकिल इनको साथ में रख दिया था, और जो आयरन है फेरस इसको उससे दूर रख दिया था, जबकि इन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। अगर रखता तो इन सबको साथ में रखना था, बट उसने कोबाल्ट निकिल को एक साथ रखा और फेरस को दूर रख दिया, क्योंकि फेरस भी तो इनके सिमिलर ही था। ये उसका थर्ड फॉल्ट था जिसके कारण उसका अरेंजमेंट फेल हो गया। मैं आप लिख रहा हूँ कोबाल्ट एंड निकिल, नहीं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कोबाल्ट कॉमा निकिल कॉमा फेरस, फेरस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी बट ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकिल टुगेदर अवे फ्रॉम द फेरस, अवे फ्रॉम द फेरस। देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तीनों मेटल है, तीनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो तीनों के तीनों वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वो क्या ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है मोर ऑर लेस सिमिलर है। बट स्टिल उसने कोबाल्ट और निकिल को साथ में रखा और उसने फेरस को बहुत दूर रख दिया था, ये उसका एक और फॉल्ट था जिसके कारण उसका अरेंजमेंट फेल हो गया। ठीक है, और फेरस को किसके साथ रखा था उसने, फेरस को नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया था। ठीक है, एंड ही प्लेस्ड फेरस अलोंग विथ नॉन मेटल लाइक, किसके साथ रखा था उसने, ऑक्सीजन के साथ एंड सल्फर के साथ रख दिया था, जो कि बहुत यानी अलग ही था। फेरस मेटल है और ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, तो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट थी, फिर भी फेरस को उसने कोबाल्ट निकिल से दूर रखा था नॉन मेटल के साथ, इसीलिए इसका अरेंजमेंट फेल हो गया। नाउ टेक अगेन स्क्रीनशॉट, हो गया? यस सर। अब इसका लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट। अब देखो उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, हाँ या ना? Yes, sir. बट और भी तो एलिमेंट डिस्कवर हो सकते थे, यानी जो नए आने वाले जो एलिमेंट थे उनके लिए उसने प्लेस ही नहीं रखा था, यानी उसने डिक्लेयर कर दिया था कि इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फेलियर था, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं आप 56 एलिमेंट ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये उसका फेलियर था, क्योंकि उसको नहीं पता था ना कि और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। आज हमारे नेचर में 92 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये उसने आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया था कि वो आएंगे तो कैसे होंगे क्या होंगे, इसलिए ये उसका एक बहुत बड़ा फेलियर था। ठीक है, तो फोर्थ फेलियर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सब डीमेरिट में आएंगे, आपको 2 मार्क के लाएगा तो 2 डीमेरिट लिखना पड़ेगा इन 4 में से। ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं न्यूलैंड ऑक्टावेज डिड नॉट हैव एनी provisions for newly for those elements they are yet to discover, ऐसा लिखेंगे, for those elements they yet to be discovered, for those elements they yet to discovered
दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय और भी जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उसके लिए इसने अपने न्यूलैंड ऑक्टोपस में कोई प्रोविजन, कोई प्लेस, कोई थ्योरी नहीं दिया था, इसलिए इसका अरेंजमेंट फेल हुआ। ठीक है, एनी डाउट हियर? नो सर। ओके, सो अगेन टेक अ क्या लिखे हो, डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन, प्रोविजन did not have any provision for those element, they are yet to be discovered that time, only discovered hi likho, at that time ko hata do, ya us samay ki hi baat kar rahe hain sir, so this is all about Newland's law of octaves. Now I am switching you over your book, जहां पर आपको हमने जो डिस्कस किए उसके कुछ पॉइंट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये है उसका म्यूजिकल ऑक्टोवेस, ये इंग्लिश के नोट्स है, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है, ये है एक्चुअल में इंग्लिश के, और हिंदी के हैं सारे इंग्लिश के नोट्स मतलब, अरे जैसे हम सारे गम बोलते हैं ना, नोट है ना म्यूजिक के, म्यूजिक के, तो वहां पर सारे गमन नहीं चलता, वहां पे चलता है डो रे मी फा सो ला टी, ऐसा चलता है, ठीक है, देखो यहाँ पर सर सुर वही है, मी फा सो ला, हाँ 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 वही है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये कोबाल्ट और निकिल, ये तो मेटल है बट ये नॉन मेटल के साथ में रखे हुए हैं, फिर फेरस कहाँ गया, फेरस की बात कर रहे थे हम, देखो ये फेरस, इसको तो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में रख दिया जो कि बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो ये उसने अरेंज किया था, जो अरेंजमेंट है वो गलत किया था, बट यहाँ पे फेरस को अगर उसने रखना ही था तो निकिल के साथ में रख देना था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है, तो ये थे उसके कुछ फॉल्ट्स, ठीक है, तो देखो उसने अरेंजमेंट किया था सारे सारे एलिमेंट, लेकिन ओनली 20 एलिमेंट अप टू कैल्शियम ही उसको ओबे कर रहे थे, बाकी उसको ओबे नहीं कर रहे थे, यहाँ पर वाला पॉइंट दिया नहीं है कि ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट अप टू कैल्शियम हैज वाज ओबेड दैट लॉ, सिर्फ 20 एलिमेंट यानी अप टू कैल्शियम ही उसके लॉ को ओबे कर रहे थे, बाद के एलिमेंट नहीं कर रहे थे, बट उसने प्लेस कर दिया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर टोटल दिया है उस समय के 56 एलिमेंट, 7 × 8 में उसने डिवाइड किया था boxes, Newland placed 2 element in each boxes to accumulate all the known element, देखो सारे सारे element को arrange करने के लिए उसने एक एक box में दो दो element को arrange कर दिया था, place कर दिया था, moreover he placed some element with different properties, देखो different properties के element को भी उसने साथ में रख दिया था, under the same note in the octave, for example Newland placed cobalt and nickel under the note do, do यानी ये वाला note, second वाला नहीं फर्स्ट वाला, देखो यहाँ पर ये फेरस सॉरी हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन ये तो नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ये तो बराबर रखा था, लेकिन कोबाल्ट और निकिल को इनके साथ में रखकर उसने गलत कर दिया, अलोंग विथ हेलोजन, देखो हेलोजन के साथ में रख दिया था उसने, फिर फेरस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विथ कोबाल्ट एंड निकिल, देखो फेरस जो है ये कोबाल्ट और निकिल से सिमिलर है, सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकिल बट प्लेस्ड अवे फ्रॉम देम along with non metals oxygen and sulfur, और यहाँ पर फेरस का भी अरेंजमेंट बिल्कुल अलग था, उसने ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में प्लेस कर दिया था, अंडर द नोट टी यानी लास्ट वाला जो नोट है उसके साथ में रख दिया था, also Newland afterwards did not have provision for accommodate the newly discovered element, जो नए एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए इसने कोई प्रोविजन, कोई प्लेस, कोई थ्योरी नहीं रखा था, the properties of new element discovered later did not fit in the Newland law of octaves, और उसके बाद जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो Newland octaves में वो फिट ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए Newland octaves फेल हो गया। किसी को डाउट है बेटा यहाँ पर? No sir. मैं इसके नोट रेडी हो चुके हैं, मैं कल इसके नोट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? Yes sir. Yes sir. Okay, okay. So, इसने जो अरेंजमेंट किया था कब किया था 1866 के आसपास,
ठीक है ओके डू यू नो मैं क्या दिया इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देयर आर सेवन मेन नोट्स नेमली सारेगामापधुनी एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड एज सप्तक यस सुर कहते हैं हमको सप्तक है ना सुर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी यस सारेगाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है देन कम्स टू सा अगेन और फिर सा से फिर से रिपीट होता है ठीक है एट द डबल द फ्रीक्वेंसी द ओरिजिनल सा इट मींस द नोट रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सप्तक और जैसे जैसे वो रिपीट होता है उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाती है द सेवन नोट इन द वेस्टर्न म्यूजिक में दिया देखो डो रे मी फा सो ला टी ठीक है द नोट डू हैव द डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम्स अगेन इन द एट प्लेस यानी फ्रीक्वेंसी रहेगी लेकिन जस्ट डबल रहेगी दिस इज द ऑक्टेव ऑफ वेस्टर्न नोट म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय द वेराइटी इन द यूज ऑफ दिस नोट्स ओके ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द नोट्स ऑफ म्यूजिक ओके सो एनी डाउट बेटा हियर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो नो सर